service for Assam, and he did a tremendous service for India. Myself personally, as I said in the tweet yesterday, I spent many hours with Gogoiji, and he was my teacher, my guru, and he explained to me, like nobody can, I would say, what Assam is, what the people of Assam are, the complexities of this state, the beauty of this state. Gaurav is his son, but he treated me in a similar way. So I have also, there is a personal loss for me as well. Of course, we have also lost another leader this morning, Ahmadji, another pillar of the Congress Party. So it is a tragic day for us. देखिए जब भी मैं आसाम आता था तो गाड़ी में हम उनके साथ बैठते थे और घंटों के लिए बैठते थे और वो एक मिनट अपनी बात नहीं करते थे, वो हर पल असम की बात करते थे, असम के लोगों की बात करते थे, अलग अलग असम के बारे में उनकी व्यूज़ थी। तो एक प्रकार से मुझे लगता था कि अगर आप गोगोई जी से बात कर रहे हो तो आप एक व्यक्ति से नहीं बात कर रहे हो, आप असम से बात कर रहे हो, क्योंकि उनके लिए वो दिल में थी कि ये असम सब धर्मों का है, सब लोगों का है, सब भाषाओं का है, वो उनके दिल में थी। तो बहुत सीखने को मिला मुझे। पहली बार जब मैं असम आया, मैं आपको खुल के बोलता हूँ, पहली बार मैं असम आया, मैं काफ़ी साल हो गए, 15 साल हो गए, और मैं असम में घूमा। और जब आदमी यंग होता है तो सोचता है कि हाँ भाई, मैं समझ गया बात, और तो एक अंदर से थोड़ा उसको आप एरोगेंस कह दो, थोड़ा सा वो आता है कि देखो मैं बात समझ गया। और फिर मैं गोगोई जी के साथ बैठ गया और गोगोई जी ने 5 मिनट में ह्यूमिलिटी दिखा दी। मतलब मेरे अंदर मुझे समझ आ गई बात कि मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूँ, जो उन्होंने असम के बारे में समझा मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपके लिए किया, असम के लिए किया, वो मतलब सालों के लिए वो लड़ाई लड़े। तो वो मेरी फीलिंग थी कि जब भी मैं उनके साथ बैठता था तो उनका एक्सपीरियंस चमकता था। ये था, ये बहुत कहना नहीं चाहिए मगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल स्टेट है। इसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, इनको एक साथ लाना आसान काम नहीं है, और वो काम गोगोई जी ने किया। हमारे सब लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं, बट वो एग्जेम्पलरी तरीके से उन्होंने किया। तो मुझे पर्सनली काफ़ी दुख है, चैलेंज नहीं है, क्योंकि गुरु ने अपने शिष्यों को सिखा रखा है, असम के कांग्रेस को सिखा रखा है। तो असम की कांग्रेस उनके विचारों पर खरा उतरेगी, वो तो सवाल ही 100% होगा, मगर दुख तो है कि उनके साथ शायद थोड़ा और आसान हो जाता। बात अब बीमार होने से पहले, जब बीमार थे तो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी। गौरव से तो मैं ऑन ऑफ बात करता रहता था सिचुएशन के बारे में।